हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सेकंड स्टेप के ऊपर बात करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है DVPST का। फर्स्ट स्टेप हमारा था रिटन एग्ज़ाम का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनका DVPST के लिए बुलाया जाता है। और DVPST में किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है इनको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे जितने भी स्टेप होंगे सभी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और जो भी PDF प्रोफार्मा की ज़रूरत होगी, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, तो सारे प्रोफार्मा आपको वहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं DVPST की। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि DVPST क्या होता है और DVPST में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ और हम जानेंगे कि अगर आप यहाँ पर पास होते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो आपको कैसे पता चलता है। तो हम अपना यहाँ पर मेल यहाँ पर दिखाएंगे कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो उस टाइम पे कैसे मेल आता है। जैसे अदर एग्ज़ाम की तरह आप इसका कोई रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रिज़ल्ट यहाँ पर, जैसे रिटन एग्ज़ाम हुआ, अभी बहुत सारे प्रोसेस आपके बचे हुए हैं, तो कोई में ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं आता है कि जो आप चेक कर सकें। और जो एक मेरिट इनकी बनती है, जो अभी आपका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा और जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, यही नंबर, जितने नंबर उनके होंगे, अभी नंबर तो नहीं शो करता है, जब फाइनल आपके सारे प्रोसेस हो जाते हैं तब एक लिस्ट आती है, उसमें आपके जो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं वही शो करते हैं। जो आपके रियल मार्क्स होते हैं, रॉ मार्क्स, वो नहीं शो करते हैं। तो वही जितने सेलेक्टेड लोग होते हैं उन्हीं के नंबर वहाँ पर शो किए जाते हैं, बाकी जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं उनका कोई नंबर शो नहीं होता है। और आपको पता भी नहीं चल पाता कि कितने नंबर आपको मिले थे, बस आप आंसर की से जो भी अनुमान लगा सकते हैं तो वहीं से आपका वो पता रहता है। तो किस तरीके से हमें पता चलता है जब रिज़ल्ट आता है तो कैसे हम जान पाएंगे, तो ये भी हम पहले देख लेते हैं कि मेरा जो मेल आया था, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते समय जो अपना नंबर और मेल आईडी शेयर करते हैं, अपने फॉर्म में फिल करते हैं, उसी पर आपको एक मेल आ जाता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये मेरा मेल था जो 2018 की फर्स्ट वाली वैकेंसी थी। दो वैकेंसी आई थी 2018 की फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले में आपका, इससे आपका 19 बैच बना है, और सेकंड वाली जो वैकेंसी थी इसी की, तो इसमें एक 20 बैच और एक 21 बैच, दो पार्ट में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो दो बैच बना हुआ था, तो दोनों में मेरा हो गया था। तो फर्स्ट वाले में फाइनल नहीं हो पाया था, सेकंड वाले में मेरा 21 बैच है तो उसमें सिलेक्शन हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से एक मेल आ जाता है। और यहाँ पर अभी हम ये भी देखेंगे कि मेल के कितने दिन बाद आपको कितना टाइम मिलता है DVPST के लिए, और उसके बाद कितना टाइम मिलता है फिजिकल के लिए। ये आप देख सकते हैं, मेल आया है 29 जनवरी 2019 को, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिजिकल हमारा DVPST स्टार्ट है 31 जनवरी 2019 से। तो देखिए, दो दिन का केवल टाइम मिला है कि 31 जनवरी से स्टार्ट है, और मतलब यहाँ पर शेड्यूल आ जाता है कि आपका कब होगा। तो कुछ टाइम तो मेरा 3 फरवरी को हुआ था DVPST, और उसके 2-3 दिन बाद फिजिकल हो गया था, रनिंग हो गई थी, तो बहुत कम टाइम मिला था। ये 19 वाली जो वैकेंसी है उसमें बहुत कम टाइम मिला था रनिंग के लिए, मतलब जैसे रिजल्ट आया उसके 1 वीक के अंदर आपका, मतलब सारा जो भी आपका फिजिकल है, DVPST है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया था। और सेकंड वाले में टाइम मिल गया था थोड़ा, ये 2018 की जो सेकंड वैकेंसी थी उसमें कुछ टाइम मिल गया था। तो इस टाइप से आपका एक मेल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका DVPST में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो क्या करें, और अभी आप समय है, सही करा सकते हैं, तो पूरा आप डिटेल देख लें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में DV क्या होता है, PST क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और PST आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो ये आपका शारीरिक मानक आपका जो टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ये आपका है। तो DV में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अलग से कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने डॉक्यूमेंट आपने एग्ज़ाम को फिलअप करते समय, एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल किए थे उसके टाइम पे जो डॉक्यूमेंट लगा था, वही सारे डॉक्यूमेंट आप हार्ड कॉपी लेकर जाते हैं, वही चेकिंग होती है वहाँ पर। तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, अप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल किए थे उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिसका जाति लगता हो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएगा, जनरल कैटेगरी की जाति नहीं लगती है, EWS, जो EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल किए, EWS सर्टिफिकेट,
एडमिट कार्ड, DVPST के लिए एक एडमिट कार्ड जारी होता है, तो वो एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ग्राम प्रधान से बनवाना होता है, इसका एक प्रोफार्मा होता है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एफिडेविट, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है और तुरंत आप सही नहीं करा सकते उसे, तो उसके लिए आप उस टाइम पे एफिडेविट दे सकते हैं अगर बहुत टाइम लग रहा है उसको सही कराने में। और बाकी आप 25-30 फोटो कलर ज़रूर आप रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट जो जनरली आप फॉर्म को फिलअप करते समय यूज़ किए थे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट चल जाता है, फिर बाद में आप सही करा लें। और PST के लिए, PST में क्या होता है कि ये मानक परीक्षण होता है, शारीरिक मानक परीक्षण, जो जिसमें आपका हाइट वेट फीमेल के लिए होता है, और हाइट और यहाँ हाइट और चेस्ट मेल के लिए होता है। तो सबसे पहले हम फीमेल का जान लेंगे कि जो फीमेल का होता है गर्ल्स का हाइट कितनी होती है। जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर, ST के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होती है, और मिनिमम वेट आपका होता है गर्ल्स का मिनिमम 40 kg वज़न होना चाहिए। मैक्सिमम नहीं चेक किया जाता है, मिनिमम केवल चेक किया जाता है, 40 kg कम से कम होना चाहिए। तो ये हो गया गर्ल्स का। और बॉयज़ का जो मेल है उनके लिए हाइट आपका 168 सेंटीमीटर जनरल OBC SC के लिए, ST के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया जाता है। और इनका जो चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है ये आपका होता है 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फ्लॉ के साथ जनरल OBC SC के लिए, और ST के लिए 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका PST में आ जाता है शारीरिक मानक जो आपका परीक्षण होता है, और जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट की आपकी चेकिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस है आपका सेकेंड जो रिटन एग्ज़ाम के बाद होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस जो इसमें क्वालिफाई करेगा, ये जनरली हो जाता है क्वालिफाई सबका, डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनके फर्जी रहते हैं कुछ गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किए रहते हैं उन्हीं को दिक्कत होती है, बाकी जो सही है वो सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने होंगे, वहाँ पर चेकिंग होती है। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने देख ही लिया होगा, वो तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं हाइट वेट आपका कितना है। तो ये सब मेल में थोड़ा होता है कि अपना चेस्ट का देख लें कि किस प्रकार से उनको सही है नहीं है। तो ये होते हैं, ये सारी चेकिंग होती है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आपका आएगा DVPST में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनका होता है PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये सबसे मोस्ट है, इसी में ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, और मेरिट और भी कम, अगर मतलब जितने भी वैकेंसी उतने बच्चे नहीं मिल पाते हैं, तो वैकेंसी जो मेरिट है इनकी कम जाती है, तो फिर मेरिट कम करके और भी लोगों को बुलाया जाता है। इसमें आपकी रनिंग होती है, इसमें भी हाइट वेट चेक किया जाता है रनिंग के पहले, लेकिन मेन जो आपका रनिंग होती है इसका जो पूरा प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रनिंग का, और कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पिछले साल के रिजल्ट के साथ हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर कितने गए थे, मिनिमम कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके अभी आंसर किसे कितने नंबर बन रहे हैं, आपको रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, और ऐसे ही वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी लोगों को शेयर करें जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके। चैनल